ये वीडियो को आप सर्च करके आए, इसका ये मतलब क्लियरली पता चल जाता है कि आप अपना फोन का फुल टू यूज करना चाहते हो। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने एंड्रॉइड फोन को गेम पैड की तरह यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड टीवी के। एंड इफ यू डोंट नो हिंदी देन डोंट वरी, आई हैव मेड अ वीडियो प्रीवियसली, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और आई बटन ओवर हियर विल बी पॉपिंग आउट। इन केस आपको हिंदी आता है तो ये वीडियो आपको मजेदार लगेगा कंपेयर्ड टू इंग्लिश वन, तो लास्ट तक देखना। तो गाइस ये वीडियो में हम लोग दो डिफरेंट ऐप्स को देखेंगे जिससे हम लोग हमारे फोन को गेम पैड की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं तीन पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। पहला है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन, टू गेम पैड को सेटअप करना, एंड तीसरा है कंक्लूजन। जिसको भी वीडियो जल्दी देखना है, ये टाइमस्टैम्प के पास फर्स्ट वाला एप्लीकेशन के बारे में बात क्या हूं और यहां सेकंड वाला एप्लीकेशन के बारे में बात क्या हूं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर्स भी दे दिया हूँ। वीडियो के आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इसके प्री रिक्वेस्ट क्या है वो आपको बताऊंगा। आपके टीवी और स्मार्टफोन के अंदर सेम गेम पैड वाला एप्लीकेशन होना चाहिए। एक एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर में पेड़ है और दूसरा टीवी के गूगल प्ले स्टोर के अंदर मिलता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सेंड फाइल्स टू टीवी, जो हमारे एंड्रॉइड फोन से एंड्रॉइड टीवी को फाइल्स को सेंड करने में मदद करेगा। आप चाहे तो डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हो ये एप्लीकेशन को टीवी में शेयर करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए, लाइक यूएसबी, एप्टॉय एक्सेट्रा। जैसे आप देख सकते हो ब्लूटूथ गेम पैड वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पेड है और यहाँ एंट्री होता है एक हीरो का जो है हमारा वीडियो का स्पॉन्सर iotechkitty.com। यहाँ से आप ये एप्लीकेशंस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो इसके लिए एक लाइक ठोक दो। बाय द वे हमारा खुद का वेबसाइट है, कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है। तो जैसे ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे, अब बारी आती है इनको टीवी में शेयर करने का। तो सेंड फाइल्स टू टीवी वाला एप्लीकेशन आपके दोनों एंड्रॉइड फोन एंड टीवी के अंदर डाउनलोड कर लो। ऐप इंस्टॉल होने के बाद अपने फोन के अंदर हॉटस्पॉट को ऑन करो और अपने टीवी के अंदर वाईफाई को ऑन करो। अपने टीवी को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो। अभी सेंड फाइल्स टू टीवी वाला एप्लीकेशन दोनों टीवी एंड स्मार्टफोन के अंदर खोलो। टीवी के अंदर रिसीव पे टैप कर दो और फोन के अंदर सेंड पे। उसके बाद डाउनलोड्स के फोल्डर्स के अंदर जाओ, वहां से डाउनलोडेड गेम पैड्स वाला एप्लीकेशंस को टीवी को सेंड करो। अब टीवी में तो फाइल सेंड हो गया बट सिस्टम मैनेजर के अंदर ये फाइल्स दिखेंगे ही नहीं, तो क्या करोगे आप? तो इसीलिए टीवी के प्ले स्टोर के अंदर जाओ, FX फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को खोलो और डाउनलोड्स के सेक्शन के अंदर जाओ, वहां आपको शेयर किया हुआ गेम पैड वाला एप्लीकेशंस दिखेंगे। अब कौन सा वाला गेम पैड आपको इंस्टॉल करना है, उस गेम पैड वाला एप्लीकेशन को आपके टीवी के अंदर इंस्टॉल करो। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम होगा दोनों ऐप्स के लिए, बट इन केस आप गूगल प्ले स्टोर से ये गेम पैड वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो देन मेक श्योर आप दूसरा ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है APK सेवर। इस ऐप की मदद से आप दूसरे ऐप्स को सेव कर सकते हो और वैसे ही हमको ये गेम पैड वाले एप्लीकेशन को भी सेव करना है APK फॉर्मेट में और हमको ये सेंड करना है टीवी में, क्योंकि टीवी के प्ले स्टोर में ये गेम पैड वाले एप्लीकेशन है ही नहीं। अभी तो 50% का प्रोसेस खत्म हो चुका है। तो कहां थे हम? जैसे ये ऐप को इंस्टॉल करते हो तुरंत ये ऐप में मत खोलना, जस्ट डन पे क्लिक कर देना। गेम पैड का सेटअप करने के पहले जो लोग टाइम स्टैम्प पे देखकर स्टार्टिंग में यहां स्किप करके आ गए, सॉरी गाइस, आपको 10 सेकंड पहले बुला के लेकर आ गया हूं मैं, क्योंकि आप आगे जाकर ये डाउट आया कि कैसे ये ऐप्स को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन को रेफर करो, वहां मैं चैप्टर्स दिया हूं, वहां से आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, पीछे जा सकते हो। अब आपके फोन और टीवी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, पैर टीवी में ब्लूटूथ को टर्न ऑन करो, और इन केस आपके घर में MI का टीवी है मेरे जैसे तो एड एन एक्सेसरी पे क्लिक कर दो, हाँ वही ब्लूटूथ है। अब स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करो और अपना फोन और टीवी को पेयर करो। इसके बाद टीवी के एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाओ, वहां जाकर कीबोर्ड्स के अंदर जाओ और वहां से मैनेज कीबोर्ड के अंदर जाओ। मैनेज कीबोर्ड के अंदर आप जो भी गेम पैड इंस्टॉल किए हो और जिसको भी यूज करना चाहते हो उसे टर्न ऑन करो और उसे एज ए करंट कीबोर्ड सेलेक्ट करो। याद रखना इसे वापस जीबोर्ड में सेलेक्ट करें, नहीं तो घर वालों से दो थप्पड़ पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब वो सर्च करेंगे कुछ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आप कुछ सर्च करने जाओगे वहां कीबोर्ड नहीं आएगा। और इस टाइम स्टैम्प के पास इसके बारे में कंक्लूजन में कुछ और बताऊंगा मैं। जबकि आपकी फोन और टीवी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और कीबोर्ड भी हम सेलेक्ट कर दिए टीवी में, अब 75% का काम खत्म। अब जाकर ऐप को खोलो, बट होम स्क्रीन में ये ऐप्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऐप्स हम लोग साइड लोड किए हैं, तो इसीलिए ये ऐप्स आपके ऐप्स के अंदर सिस्टम ऐप्स के अंदर दिखेंगे। अब दोनों डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ गेम पैड की एप्लीकेशन खोलो, स्क्रॉल डाउन करके ओपे के क्लिक करो, टीवी के अंदर एज ए डिस्प्लेइंग डिवाइस सेलेक्ट करो,
और फोन के अंदर गेमिंग कंट्रोलर। इसके बाद आपके टीवी के अंदर नॉट रेडी दिखा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया, और इन केस आपको रेडी दिखा रहा है तो यू आर गुड टू गो। इसके बाद आपके फोन के अंदर टीवी को एज ए ब्लूटूथ डिवाइस सेलेक्ट करो, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दो। कंग्रेट्स, आपने एंड्रॉइड फोन को गेम पैड की तरह कन्वर्ट कर दिए। बट अभी भी सिर्फ 99% ही हुआ है, 1% बचा हुआ है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब टू IoTech फॉर मोर यूनिक वीडियोस लाइक दिस। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ऐप को भी देखे हो, बट सेकंड ऐप को देखने के लिए डायरेक्ट कुछ लोग स्किप करके यहाँ आ गए। उनको बता दूं कि अगर आपको कुछ प्रोसेस समझ में नहीं है, जैसे कि इंस्टॉलेशन या सेटअप, तो पूरा वीडियो देख लेना भाई। क्योंकि ये वाला एप्लीकेशन बहुत मजेदार है, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट आप अगर प्रो हो और वीडियो को यहाँ से देखकर आपने अपने फोन को गेम पैड में कन्वर्ट कर लो, देन डोंट फॉरगेट टू सेंड योर CV टू दिस ईमेल एड्रेस, वील हायर यू। ये टाइमस्टैम्प के पास ब्लूटूथ कनेक्शन के बारे में और कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बारे में बताया हूँ। अगर वो स्टेप्स को आप फॉलो कर पाओगे तो ये वाला प्रोसेस सिंपल है, और जिन लोगों ने वो प्रोसेस को नहीं देखा तो आपके लिए क्विक रिविजन। ये है हमारा एंड्रॉइड फोन, ये है हमारा एंड्रॉइड टीवी, और ये हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन। हाँ, कुछ वैसा ही है, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगा शूट करते वक्त, बट चलेगा। आपके दोनों फोन और टीवी के अंदर BT कंट्रोलर आपको खोलो और टीवी के अंदर क्रिएट ए होस्ट पे क्लिक कर दो और फोन के अंदर टीवी का नाम आ जाएगा। बट इसके लिए आपको एक कॉमन वाईफाई का जरूरत है। इनकेस आपके पास कॉमन वाईफाई नहीं है तो एक फोन में हॉटस्पॉट ऑन कर दो और ये फोन और टीवी को उस हॉटस्पॉट के नेटवर्क को कनेक्ट कर दो। हाँ, ये एप्लीकेशन में भी ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। जिनके पास भी कॉमन वाईफाई नहीं होता है वो लोग ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, और जिनके पास ब्लूटूथ नहीं होता है, मोस्टली MI का एंट्री लेवल स्मार्ट टीवीज के अंदर होता है, एंड्रॉइड टीवीज के अंदर होता है, उनके अंदर ब्लूटूथ नहीं होता, वो लोग एक कॉमन वाईफाई यूज करके ये ऐप यूज कर सकते हो। ये ऐप में डिफरेंट डिफरेंट गेम पैड्स को आप देख सकते हो, और आप चाहे तो आप खुद का ही गेम पैड डिजाइन कर सकते हो। बट ब्लूटूथ गेम पैड बहुत बेसिक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें हो जाता है और सेटअप भी मिनिमल है। मैं 2016 से ये गेम पैड्स को यूज करते आए और मुझे अच्छे से पता है कौन सा गेम को ये गेम पैड्स वेल ऑप्टिमाइज्ड है, और मैं मेरे आर्टिकल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है उधर मैं सपोर्टेड लिस्ट दे दूंगा। ये गेम पैड सारे गेम्स के लिए इतने वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ गेम पैड Aspartate नहीं चला पाएगा, PPSS PP एमुलेटर मस्त चला लेगा, और जबकि बात करें BT कंट्रोलर की, BT कंट्रोलर में तो डिफरेंट गेम पैड्स मिल जाएंगे, तो लार्ज वैरायटी ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा, और आप चाहे तो आपका खुद का बना सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आप अगर खुद का ही गेम पैड डिजाइन करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा BT कंट्रोल में, तो उसी लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप ब्लूटूथ गेम पैड यूज करें, और ब्लूटूथ गेम पैड मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ये दोनों बेस्ट ऐप से जो एंड्रॉइड टीवी के साथ कंपेटेबल है गेम पैड की तरह यूज करने के लिए। बाय बाय सेटस प्ले। और BT कंट्रोलर के अंदर आपको हैप्टिक्स भी मिल जाएंगे, मतलब वाइब्रेशंस भी आपको सेंस हो जाएंगे, और ये BT कंट्रोलर डायरेक्टली बहुत सारे एमुलेटर से डायरेक्टली अपना कीबोर्ड को मैप कर लेता है। बट ओवरऑल देखा जाए ऐसा कुछ गेम पैड का ऐप नहीं है जो एंड्रॉइड टीवी गेम्स के लिए परफेक्ट है। येट आप अगर फिजिकल गेम पैड्स की तरफ भी देखोगे ना, तो आपको भी उतने अच्छे 500 और 1000 के अंदर भी गेम पैड्स नहीं मिलेंगे जो सारे गेम्स के साथ कंपेटेबल है। और अगर इन केस आप फिजिकल गेम पैड खरीदेंगे और वो कंपेटेबल नहीं है तो शायद आपका 500-1000 rupees लॉस होगा। टीवी के अंदर उतना खास गेम ही नहीं होता है जितना एंड्रॉइड फोन के अंदर होता है। टीवी के लिए सेपरेट कंसोल खरीदना पड़ता है, जैसे कि एक्सबॉक्स या PS। बट स्टिल आप अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, मजाक में ये ट्राई करके आप एंजॉय कर सकते हो ये चीजों को। बट अब तक कोई वर्चुअल गेम पैड का एप्लीकेशन नहीं है जो सारे गेम्स के साथ कंपैटिबल हो, बट आप फन के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो, और होप हमने आपका 500 से लेकर 1000 rupees तक सेव कर दिए है। और इन केस हमारा इफेक्ट आपको अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन होगा, आप वहां से हमको थोड़ा बहुत चैनल की तरफ डोनेट कर सकते हो। शायद थैंक्स बटन अभी तक आया नहीं है। करीब 1.5 ईयर पहले YouTube में हम ही फर्स्ट थे जो ये टॉपिक पर इंग्लिश में वीडियो बनाए थे ब्लूटूथ गेम पैड के ऊपर, और आप वहां देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं हमारा वीडियो देखने के बाद, बट वो लोग ये पॉइंट को मिस किया जो मैं ये टाइमस्टैम्प के पास बात किया था। ऐसे ही फर्स्ट यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उन यूट्यूबर से, वो लोग अच्छे से ये कंटेंट को और लोगों तक रीच करवा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बट मेक श्योर वो लोग वो कंटेंट का पूरा नॉलेज आपको दे रहे हो, सिर्फ आधा अधूरा बोल के नहीं जा रहे हो। एंड अगेन BT कंट्रोल के ऊपर भी हम लोग ये फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट रहते हैं कि ये गेम पैड वाला वीडियो को हिंदी में बनाएं, और हमने कोशिश की है कि ये वीडियो हिंदी में बनाएं, बट थोड़ा बहुत टाइम लग गया। बट इनकेस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, वहां आके भी पूछ लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ऐसे ही नेक्स्ट टेक एंड यूनिक वीडियो में मिलूंगा। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक्स में हम लोगों को मेडल लेकर आए, इधर आके स्पीच दिए थे, और हम यहाँ गेम पैड की तैयारी करेंगे।